उस्मान साहब, जैसा कि आपने कहा था, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। क्या कहा? फतह? फतह उन ही लोगों की होती है जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। शहादत के नाम, फतह के नाम। उस्मान, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। कहां जा रहे हो तुम? तुम कहां जा रहे हो? मुझसे लड़ो। बंसी साहब का ख्याल रखो। साहब आप ठीक तो हैं? मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आ! 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 आ!
किसी एक को भी नहीं छोड़ना। या अल्लाह, तू मेरी बेटी बाला की हिफाजत फरमा। अपने हथियार हटाओ, तुम्हारी ये गलती बाला की जान ले लेगी। रुक जाओ, मैंने कहा पीछे हटो। मैंने कहा रुको। गुंदूज साहब, कमान नीचे कर लें। हथियार नीचे। मुझे माल गाड़ी चाहिए। दुंदार साहब और खवातीन मेरे साथ आएंगी। अगर किसी ने मेरा पीछा किया, मैं इन सबको मार डालूंगी। एक मालगाड़ी लाओ। सिपाहियों, मार दो उन सबको। कौन है आप खातून? काफिरों के खून से दागदार मत कीजिए। हमारी कोई भी चीज काफिरों के खून से दागदार नहीं हो सकती। मुअज्ज़ज़ अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब, हुज़ूर, हुज़ूर, आप ठीक तो हैं मेरे हुज़ूर? ठीक हूँ मैं। बमसी साहब कैसे हैं? गेंचे साहब उन्हें कबीले ले गए हैं। क्या हम निकोला के पीछे जाएं? अगरचे उसने जो कहा झूठ है, लेकिन हम एहतियात करेंगे। अब कबीले चलकर सांस लेंगे। आ जाओ। मैं भी आपके साथ आऊंगी। मैं
नाम तक नहीं बताया मुझे अपना खातून। कजील साहब के बेटे उमर साहब की बेटी मलहून खातून। हम यहाँ जंग के लिए आए हैं। उमर साहब की बेटी? हाँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नसीब में इसी तरह मिलना लिखा था शायद। आ जाइए। हुजूर, साउची साहब किसी घात में ना फंस गए हो? ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ। वो बाहर निकलना जानते हैं। आ जाओ। तुम अब फरार नहीं हो सकोगे सावजी साहब। मैं यही खत्म कर दूंगा तुम्हें। डटे रहो सिपाहियों, डटे रहो। हमारा रब हमारी मदद करेगा। हमें यहां से निकलकर गार में दाखिल होना होगा। ये रात के अंधेरे में गार में दाखिल नहीं हो सकते। बेटा, चलो। बाबा, मेरी बेटी। क्या हमें इस तरह मिलना था बाबा? अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब्र से काम लो। छोड़ दो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सलजान खातून, मैंने कहा छोड़ दो इसे। सुनिए ताईजान, ताईजान रुक जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो गुंदूस? क्या तुम देख नहीं रहे, उन्होंने खवातीन और दुंदार को कैदी बना लिया है। उन्होंने उस्मान की अमानतें जब्त कर ली हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ताईजान, ताईजान, हमारे प्यारों की गर्दन पे उनकी तलवार है, आप देख नहीं रही? इसीलिए जाने दे रहा हूं, वरना ऐसा ना होता। वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं करने दूंगी, हट जाओ। नहीं सजान खातून। शेख मोहतरम, मोहतरम शेख, आप देख नहीं रहे, उन्होंने उस्मान को सुपुर्द की गई अमानतें दे दी हैं। मोहतरम शेख, उन्होंने मेरे उस्मान की खातून को कैदी बना लिया है। वो खातून मेरी इकलौती बेटी भी है सलजान खातून। हमें तदबीर और इंतकाम उस्मान साहब पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ सब्र करना चाहिए।
जाए तुम कभी खुश नहीं रहोगे गोक्तुक। अपने बेटे के साथ अच्छे से अच्छा वक्त गुजार लो सावची साहब, क्योंकि आज इसे तुम आखिरी बार देखोगे। फिलातियुस, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। सबर रखो बेटा, सबर। वो यही चाहता है, हमें अंधेरा होने तक सबर से काम लेना होगा। चरकोता, चरकोता, ये क्या? जल्दी करो, उतरो। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो बाला खातून? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ,
तुम मेरे साथ रहोगी। बैठो यहाँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये नहीं कर सकती तुम। इसके बदले तुम मुझे ले जाओ। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बाला से इंतकाम लेना है मुझे। मेरे साथ जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ो। मुझे सीधे खड़े रहो। जाके उस्मान साहब से ये कहना, उनकी अमानतें मेरे पास हैं। चलो अब जल्दी। देखना तुम अपने किए पर पछताओगी तारगुन। चलो अब। चलो बेटा। बस सुंगुर आ जाओ। जल्दी मेरे पीछे आओ। खुश हो तुम? अपना बदला ले लिया तुमने? किस किस्म के तुर्क हो तुम गोकतुक? जवाब नहीं है? गद्दार कहेंगे। क्या हुआ बाला? तुम्हें उस्मान बचाने नहीं आया? या शायद वो इससे बड़ी मुसीबत में फंस गया हो? तुम दोनों आज मरोगे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकोगे। तुम सिर्फ मेरा चेहरा देखोगी मरते वक्त। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? छोड़ा है। अगर हम इसी तरह इंतजार करते रहे तो उसकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। चलो चलें। अगर उसे नुकसान पहुंचा तो खालो देड़ दूंगी सबकी। आयगुल चलो यहां से। हा, हा, हा।
मुझे ढूंढ रहे थे तुम लोग? हमें घर तक पहुंचना है, चलो। चलो। साहब जी, हिम्मत है तो एक मर्द की तरह मुकाबला करो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। चाचा जान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं भतीजे। गुंडू साहब, उन्होंने बालक को नहीं छोड़ा, वो उसे ले गए। उस्मान साहब की संदूक भी उनके पास है। ये ठीक कह रही है भतीजे, संदूक उनके पास है, लेकिन लेकिन पहले तुम्हें बालक को बचाना है। चलो। ठीक है चाचा जान, ठीक है, सिपाही आपको कबीले ले जाएंगे। चलो सिपाहियों, हम बाला खातून को बचाएंगे। चलो भैया। इसे नीचे उतारो। चलो। वहां क्यों रुक गए? जल्दी चलो। छोड़ो मुझे। यहाँ आओ बाला, इधर। चलो। अपनी खस्ता हाली तो देखो। मुझे तुम पे तरस आता है, लेकिन मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगी। और तुम सिर्फ खड़े देखते रहोगे गोकतुक? खुशी से देखूंगा। तुम अपने शौहर को वारिस नहीं दे सकती तो तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं। ऐसा ही है ना बाला?
इसे नीचे उतारो। चलो। किसका इंतजार है? जल्दी करो। छोड़ो मुझे। मेरे भाई, गोक्तोक, मेरा भाई। जानता था ये तुम कर दिखाओगे। मेरे सरदार हमेशा बेहतरीन फैसला करते हैं। मेरे उस्मान, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना बाला? ठीक हूं मैं। तो तुम्हारा मरना यूं ही लिखा था? बाला,